सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे कि आजकल फूलदेही का त्यौहार चल रहा है, तो आप सभी लोगों को उत्तराखंड के लोक पर्व त्यौहार फूलदेही की ढेरों शुभकामनाएं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, मौसम बहुत सुहावना है। पहाड़ों का तो अपना अलग ही अंदाज है। आजकल मार्च और अप्रैल के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आड़ू पुलम के फूल खिले हुए होते हैं और इसलिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने क्यारी में लगाए हुए हैं बहुत सारे फूल अपनी घर की क्यारी में। और ना तो ज़्यादा ठंडा हो रहा है और ना ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो मौसम एकदम मस्त बना हुआ है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं आड़ू के कितने अच्छे फूल खिले हैं, गुलाबी रंग के फूल आड़ू में लगते हैं और इसके बाद इसमें पत्तियां आने लग जाएंगी और फिर फल आने लग जाएंगे। यहाँ पे मेरी नंदी बैठी है। नंदू नंदू मेरा बेटा, अरे क्या घेरी तू सबको, क्या घेरी तू बता दे, बता दे बाबू नंदू। और ये रही लाली, लाली सोच रही है पता नहीं इसको क्या दे दिया है, तो ये घूमने लग गई है। इस नींबू के पेड़ से नींबू तो हमने सारे तोड़ लिए हैं और थोड़ा सा बचे हुए हैं इसके नीचे साइड में, 4-5 नींबू। और बिच्छू घास तो यहाँ हर जगह देखने को मिल जाती है। जाड़े के दिनों में बिच्छू की सब्जी बहुत खाते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। ये रहे पुलम के फूल। जैसे आड़ू में गुलाबी रंग के फूल लगते हैं, तो इसमें लगते हैं सफ़ेद रंग के। घास भी एकदम हरी भरी होने लग गई है, बहुत अच्छी घास होने लग गई है अब मार्च के टाइम पे। इस खेत में हमने बोई थी पालक, और पालक की तो हमने बहुत बार सब्जी भी खा ली है। यहाँ आजकल बहुत पालक हो रही है हर किसी के खेत में, तो पालक की सब्जी आजकल बहुत खा रहे हैं सब लोग। इसके ऊपर वाले खेत में बोई है मटर, बहुत अच्छी तो नहीं हुई है पर अब अप्रैल तक ये तैयार हो जाएगी। लगाया है लहसुन, लहसुन की बहुत चौड़ी पत्तियां हो रही हैं। और यहाँ पे मम्मी कर रही है गोड़ाई आलू की। मम्मी ये जनवरी के टाइम पे ये आलू लगाया था, तो अब मार्च के टाइम में ये गुड़ाई करने लायक हो गया है और जून तक पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। ने कल सुबह के टाइम पे और आज सुबह के टाइम पे ये पूरा खेत कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे ये नीचे वाला जो खेत दिख रहा है, ये चाचा लोग का खेत है, इसमें भी मटर बोई है, बहुत अच्छी मटर हुई है। और ये हमारी घास अब इतनी सी बची हुई है, क्योंकि अब तो हरी घास होने लग गई है, तो सूखी घास आजकल ख़त्म होने लग जाती है, जिसको इकट्ठा करके रखे रहते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। यहाँ पे जो पेड़ों की छटाई की थी, तो उनकी लकड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठी करके रखी है, क्योंकि ये जलाने के काम भी आ जाती हैं सूखने के बाद। तो अभी के ब्लॉग में बस इतना सा था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।